मौर्य सरकार तीन बार से विधायक बांटे हैं तब काम नहीं हो पाई, कुछ नहीं कहले वो करे करते एकदम लोग घिन्ना कर लगा। गड्ढा मुक्त कहने वाले योगी सरकार अभी हम देख सकते हैं कि गड्ढा युक्त है, तो किस प्रकार से विकास हुआ है पिछले पाँच सालों में ये इस गड्ढे से, इस सड़क के गड्ढे से ये अनुमान लगाया जा सकता है। कोई वोट नहीं देगा, कोई नहीं देगा, जो चूतिया होगा वही वोट देगा। तीन बार से विधायक है, जो चूतिया होगा वही देगा। क्षेत्र का विधायक है वो काम नहीं कराएगा तो सरकार क्या करेगी। अभी हम लोग इधर ही सा रहे थे, आपको जिता दे या काम नहीं होगा तो क्या करेंगे। सब विधायक एमपी एमएलए की कमियां है जो यहाँ इस क्षेत्र के है, क्षेत्र के है हेमानवर है भाई, बाईपास चल के रेलवे स्टेशन तक देखिए सब ऐसे ही है पूरा गड्ढा है सर। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। पडरौना विधानसभा कुशीनगर जिले का एक ऐसा विधानसभा है जहां से जो वर्तमान में विधायक हैं यहां पे साई प्रसाद मौर्य जो इस्तीफा दे दिए हैं भाजपा से और कयास लगाई जा रही है कि सपा में है। हम पडरौना विधानसभा कवरेज कर रहे थे और हम देखे अभी को इसी रास्ते से हमारी गाड़ी, हमारी चुनावी यात्रा की जो गाड़ी है वो यहीं से गुजर रही थी और हम ये ध्यान दिए कि जो यहाँ की सड़क है, जो योगी जी कहते हैं कि जो सड़क है हमारे उत्तर प्रदेश में वो गड्ढा मुक्त है, हमको लग रहा है कि वो थोड़ा सा भूल गए हैं, गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त सड़क है। अभी भी मेरे सामने आप देख सकते हैं हम जिस चौराहे पे खड़े हैं यहाँ पे, वहाँ की जो सड़क है वो इस हद तक ख़राब है कि आदमी एक साइकिल लेकर या पैदल भी नहीं चल सकता। तो आप सोच सकते हैं कि बरसात में यहाँ पर क्या हाल हुई होगी। पिछले तीन बार से यहाँ पे विधायक थे स्वामी प्रसाद मौर्य और श्रम मंत्री भी थे और स्थिति यह है कि उनके विधानसभा सीट पे जहाँ जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ पे जो गड्ढे का जो सड़क का हालत है वो बद से बदतर होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है पिछले तीन बार से विधायक हैं और सड़कों का ये हाल है, किस हिसाब से यहाँ पे लोग रहते हैं और किस हिसाब से लोग देखते हैं क्या। 2012 से पहले ये रोड जो कि बनी हुई है, कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये स्थानीय व्यक्ति हैं, बताइए कब से ऐसे रोड खराब है, क्योंकि अभी हम लोग आ रहे थे चुनावी यात्रा हम लोग की है तो अभी आ रहे थे देखे बड़ा खराब है रोड, कंटिन्यू खराब है 12 साल, मतलब 2012 के पहले बनी हुई रोड है ये, 2012 के पहले बनी हुई, 18 के हाँ तब से बना नहीं, उस बात से नहीं बना, 18 बात से नहीं बना। चाचा जी रोडवा कब से ऐसे बा, कब से रोडवा ऐसे भाई खराब बड़ा गड्ढा बाबिन कहावत रानी देखा था नहीं डिग्री कॉलेज वाला रोड बहुत पहले से टूटा हुआ है, बहुत पहले से टूटा हुआ है। सरकार है पे ना काम हम कर दिया, कोई काम नहीं है सरकार का सरकार दिया तीन मौर्य सरकार तीन बार से विधायक बांटे हैं तब वो काम नहीं हो पाई, कुछ नहीं कहले वो करे करते एकदम लोग घिन्ना कर लगा। विधायक से मतलब है तो वही हम कह रहे हैं का विधायक है वो काम नहीं कराएगा तो सरकार क्या करेगी। अभी हम लोग इधर ही आ रहे थे, आपको जिता दे या काम नहीं होगा तो क्या करेंगे। अभी हम इधर से आ रहे थे देखे बड़ा खराब है रोड, हम कहे भाई देखे थोड़ा सा मुद्दा उठाएं, आप लोग स्थानीय लोग हैं, ये बाईपास रोड है आपका, ये बाईपास सही आप लोग कह रहे हैं बाईपास, तीन बार से विधायक क्या काम किए, कोई काम हम समझ में आ रहा है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। अब तो भाजपा भी छोड़ दिए, अब देखिए यहाँ से क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर सपा या किसी और पार्टी से टिकट मिलता है, टिकट कोई नहीं देगा, देगा। कोई वोट नहीं देगा, कोई नहीं देगा, जो चूतिया होगा वही वोट देगा। तीन बार से विधायक हैं, जो चूतिया होगा वही देगा। स्वामी प्रसाद के साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई खुश नहीं है, कोई नहीं है, कुछ पैसा गड्ढा में तक भाजपा सरकार बनाया है। अच्छा तो जो लोग हैं यहाँ पे वो खुश नहीं है, अभी ये चाचा जी हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है उनसे आदमी स्वामी प्रसाद कमियाँ नहीं है, सब विधायक एमपी एमएलए की कमियाँ है जो यहाँ इस क्षेत्र के हैं, क्षेत्र के हैं हेमानवर है भाई, बाईपास चल के रेलवे स्टेशन तक देखिए सब ऐसे ही है पूरा गड्ढा है सब ऐसे ही पूरा, ये देंगे स्वामी प्रसाद मोरे ये तो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, सही बात है कि मोदी को छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में है लेकिन वोट पब्लिक खिन्न है उनसे वोट नहीं देगी, इस बार वोट नहीं देगी। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीणों में आक्रोश है क्योंकि तीन बार से विधायक हैं और श्रम मंत्री भी रह चुके हैं तो, और तत्कालीन जो सरकार है उसमें, लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे
पिछले लगभग 12 साल या 2012 से पहले ये रोड बना हुआ है और तब से यहाँ पे कोई काम धाम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाईपास से कह रहे हैं लगातार ये रोड जो है इसी तरीके से गड्ढा मुक्त कहने वाले योगी सरकार अभी हम देख सकते हैं कि गड्ढा युक्त है। तो किस प्रकार से विकास हुआ है पिछले 5 सालों में ये इस सड़क के गड्ढे से ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये तो देखना दिलचस्प होगा कि ये कब इस गड्ढे का पटैया होता है और कब ये सड़क जो है बनती है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।